नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे रीड बुक चैनल में स्वागत। दोस्तों, क्या आप आलस का मनोविज्ञान जानते हैं या जानना चाहते हैं? तो आप बने रहिए हमारे साथ इस बुक के साथ, तो आप साइकोलॉजी ऑफ लेजनेस का मतलब जान जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 6 महीने में हासिल करने का सीक्रेट पता चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाली साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी ऑडियो बुक समरी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, किताब आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले हमें अपने जीवन में कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए, ठीक उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार और आपका कितना ही तेज आईक्यू क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो या आर्टिकल को पढ़ लो पर अपने काम पे हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ही एक्शन भी लेना पड़ता है, और यही इस किताब में बताया गया है कि कैसे अपने आलस से छुटकारा पाकर हद पार मेहनत करें, कैसे आप हद पार मेहनत कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जी फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत ये है कि ये कभी कभी ही फील होता है। याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज्यादा फोकस थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था, आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूंगा, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप मोटिवेशन फील कर रहे थे। अब आप सोचिए कि क्या हो अगर ये आपके साथ हर रोज हो, तो क्या आप जिंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या हो अगर ये सब ना रहे? का सोल्यूशन ये है जो इस किताब में बता रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का अगर आप उस वक्त और एनर्जी फील नहीं करते हो? तो जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है, तब आप 10 घंटे के काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हो, और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीनों में ही पूरा कर सकते हो। इस किताब के लेखक ने, यानी कि हम सभी के भाई मोहम्मद शकील जी ने बताया हुआ है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेट फील कर रहे होते हैं, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीजें नहीं टालते, तब ये आपके दिमाग में रिलीज हो, ये जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेता। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसा लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसलिए वो इंसान फिर से पैसा लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने का मन जो कर गया, ये डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, और ये सब डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है जो हमें अच्छा फील करने का काम करता है। इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसा ही बड़ा होता है, एक दो बार किया तो हुआ, तो उसे बार बार करने का मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्कहोलिक बन जाता है। वर्कहोलिक का मतलब ये है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता है और उसके लिए मेहनत करना एक नशा बन जाता है। दोस्तों, ये नशा ड्रग, कोकेन और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टेड होता है। आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 91 साल है
लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया, वो आज भी मेहनत करते। अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज्यादा पैसा कमाना है इसलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप 91 साल के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जी के पास जितना पैसा है उतना आपके पास है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे या आप फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एक ही बात निकल कर सामने आ जाती है, कामयाब लोगों को लत लग चुकी है और ये जो लत लगती है ना उसके पीछे इसी डोपामाइन हार्मोन का हाथ होता है। यानी हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मजे बने हुए जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना आदि आदि, इन सभी मजों को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मजा ढूंढते रहते हैं। ये डोपामाइन हार्मोन हमारे दिमाग में दो तरीके से रिलीज होता है और आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत। आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन को गलत काम करने पर भी मजा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों इस तरह से मजे लेने हो ठीक है, आपको बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। अगर आपको अपने दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करना है तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा। द साइकोलॉजी ऑफ लेजनेस बुक, यानी कि हिंदी में आलस का मनोविज्ञान बुक कहा जाता है। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़कर देख लो, तब आपको पता चलेगा कि एक्शन काउंट होते हैं, उसका ज्ञान काउंट नहीं होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता। हर कोई कहता है कि एलन मस्क का तेज दिमाग है और उसका आईक्यू तेज है और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया, पर कोई ये बात नहीं करता कि एलन मस्क जो है ना वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसीलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। यह भी नहीं कह सकते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है। ये कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग, बल्कि एक कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शन की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो नॉलेज की दूसरे तरीके से लगाने की है। इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग अपने बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे। अमीर लोग वो होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, ना कि जो सिर्फ ज्ञानी। इस आलस का मनोविज्ञान में ऑथर ने बता रखा है कि कैसे एक्शन ले। दोस्तों मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है तो एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शन लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकते। दोस्तों मैंने अभी तक काफी बुक्स पढ़ी हुई है लेकिन मुझे ज्यादातर किताबों में प्रोफेशनल और टफ स्टाइल वाली भाषा नजर आती है, लेकिन आलस का मनोविज्ञान बुक इंगेजिंग भाषा में लिखी हुई है, जैसे हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे से मैसेज में बात करते। आपको वाकई में ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 3 महीने रोज करने लग जाओ तो क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। जब आप बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करेंगे तो आपके हाथ में कुछ न कुछ तो जरूर लगेगा। दोस्तों अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ धो के पीछे पड़े रहे और बिना कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम की। अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये बात मुझे भी बहुत ही ज्यादा हिट करती है। और वो है, इस टालने की आदत ने, मैं कल करूंगा या बाद में करूंगा, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में ये पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। पूरे साल में 8760 घंटे होते तो भी मेरे स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ दे रहे हैं ना, वही टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और ये हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप 80 साल के बिलीनियर इंसान को ये कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का करा दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपके अनुभव भी वही रहेगा
और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको आपकी सारी दौलत देनी होगी। तो 99.99% चांसेस है कि वो बिलियनियर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाए। जिसका मतलब ये है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो और आपकी अपनी जो भी एज है ना, वो एक बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमती है, और इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सच है, आप अभी एक बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमती लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल से करूंगा बोलकर कितना सारा वक्त गंवाया होगा। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी।